हेलो गाइस, मेरा नाम है रूप। स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल गैलेक्टस 10 में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉप 10 यूट्यूब चैनल्स इन द वर्ल्ड। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे हमारे आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपके द्वारा किए गए हर मैसेज का मैं रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए लेट स्टार्ट। रूट परफेक्ट कि टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में रूममेट थे, जिनके नाम है कोरी कॉटन एंड कोबी कॉटन। ये दोनों ट्विंस हैं, मतलब कि जुड़वा हैं, और गैरेट हिल्बर्ट, कोडी जोन्स एंड टाइलर टोनी। और ये चैनल अमरीका के टेक्सास से बिलोंग करता है। और इनका यूट्यूब का ज्वाइनिंग डेट है 16th March 2009। और इस चैनल का टॉपिक, हालांकि ये एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट चैनल है, लेकिन इनके चैनल पर 6 अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं। वो टॉपिक्स हैं ट्रिक शॉट्स, स्टीरियोटाइप्स, बैटल्स, ओवर टाइम, गेम्स विद कॉन्सिक्वेंसेस, और 6 है बकेट लिस्ट। इसमें ट्रिक शॉट इनका सबसे पॉपुलर कंटेंट है। इनके अचीवमेंट्स भी कई सारे हैं। इस चैनल के मेंबर्स के नाम बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इनके यूट्यूब वीडियोस पे 10 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं। डूड परफेक्ट $20 मिलियन से ज़्यादा वैल्यू का बताया जाता है, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से डूड परफेक्ट चैनल का वैल्यू $20 मिलियन से भी ज़्यादा है। और इनके चैनल पे टोटल 49.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और इनके इंस्टाग्राम पे 10.3 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो आगे हमारे इस लिस्ट में नंबर 9 पे जो यूट्यूब चैनल है वो है जी म्यूजिक कंपनी, और पुनीत गोयनका जो कि CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस के, जो कि पेरेंट कंपनी है जी म्यूजिक कंपनी का। ये कंपनी मुख्य रूप से न्यू दिल्ली से ऑपरेट होता है, और इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 12th March 2014 को। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एक म्यूजिक कंपनी है। जब से इस कंपनी ने लॉन्च किया है तब से इसने TCS को कड़ी टक्कर दी है। इसके कुछ सबसे सक्सेसफुल म्यूजिक राइट डील्स फॉक्सस्टार स्टूडियो, UTV सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशंस, बालाजी मोशन पिक्चर्स, एक्सेल एंटरटेनमेंट, वायकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड भंसाली प्रोडक्शंस शामिल हैं। इनके चैनल पर टोटल 51.5 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और इनके इंस्टाग्राम पर 469 के फॉलोअर्स हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 8 पे जो यूट्यूब चैनल है वो है जस्टिन बीबर। इस चैनल के ओनर है जस्टिन ट्रू बीबर। ये कनाडा के ओंटारियो से बिलोंग करते हैं, और इनका यूट्यूब का ज्वाइनिंग डेट जो है वो 15 जनवरी 2007। इनके चैनल का टॉपिक म्यूजिक है, मतलब ये एक म्यूजिकल चैनल है। जस्टिन बीबर का करियर कई तरह के कॉन्ट्रोवर्सीज से घिरा हुआ है। 2014 में पहली बार अरेस्ट होने से पहले इंटरनेशनल लेवल पर कानून के साथ बीबर के कई सारे रनिंग्स थे, जिसमें 2012 में अपने पड़ोस में लापरवाह ड्राइविंग के आरोप लगाया गया था, और 2013 में ब्राज़ील में वैंडलिज्म यानी कि बर्बरता के आरोप लगाया गया था। व्हाइट हाउस में 270,000 से अधिक लोगों ने पिटिशन यानी कि याचिका दायर की थी कि उन्हें अमेरिका से निकाल दिया जाए। हालांकि प्राप्त किए गए सिग्नेचर्स के काउंट सफिशियंट थे किसी तरह के एक्शन लेने के लिए व्हाइट हाउस गाइडलाइंस के अंडर, लेकिन ओबामा सरकार ने इस पिटिशन पर किसी भी तरह का टिप्पणी से इनकार कर दिया। बीबर के आसपास के कंट्रोवर्सीज के बाद उनकी आवाज़ और भी ज़्यादा मैच्योर हो गई, क्योंकि उन्होंने EDM में ट्रांजिशन किया और टीन पॉप से दूर चले गए। 2015 में रिलीज हुआ उनका 4th स्टूडियो एल्बम पर्पस उनका सबसे अधिक क्रिटिकली एंड कमर्शियली सक्सेसफुल एल्बम बन गया। उसके बाद तो उन्होंने 3 बिलबोर्ड हॉट 100 No. 1 सिंगल्स भी दिए हैं, जैसे कि व्हाट डू यू मीन, सॉरी और लव योरसेल्फ। जस्टिन बीबर के तो इतने सारे अचीवमेंट्स हैं जिसके बारे में एक वीडियो में बताना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ खास जो है, जस्टिन बीबर ने अकेले अमेरिका में 105 मिलियन रिकॉर्ड बेचे हैं, जिसमें वो दुनिया के सबसे अधिक बिकने वाले म्यूजिक आर्टिस्ट में से एक बन गए हैं। बीबर अपनी करियर के दौरान 437 अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे, जिसमें से 160 अवार्ड्स वो ऑलरेडी जीते हैं, जिसमें एक ग्रैमी अवार्ड,
15 American Music Award, 20 Billboard Music Award, 2 Brit Award, 1 Latin Grammy Award, 3 MTV Video Music Award, 21 MTV Europe Music Award, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्हें 2011, 2012, 2013 में फोर्ब्स की तरफ से दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सेलिब्रिटीज में शामिल किया गया है। 2016 में बीबर ऐसे पहले आर्टिस्ट बने जिन्होंने वीवो पर टोटल 10 मिलियन वीडियो व्यूज क्रॉस किया था। उन्हें कनाडा के ओंटारियो में एवन थिएटर के सामने एक स्टार से सम्मानित किया गया है और वो 60,000 कैनेडियन लोगों में से एक थे जिन्होंने 2012 में क्वीन एलिजाबेथ 2 डायमंड जुबली मेडल प्राप्त किया है। और उनके चैनल पर टोटल 52.3 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उनके इंस्टाग्राम पे 129 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो कि भी एक बहुत ही ज़्यादा नंबर है इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो। नंबर 7 पे हमारे इस लिस्ट में जो चैनल है वो है WWE का। WWE के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। WWE के फाउंडर हैं जेस मैकमहन एंड टूट स्मॉल। इन्होंने 1952 में 1952 को WWE का शुरुआत किया था कैपिटल रेसलिंग कॉरपोरेशन के नाम से। इस कंपनी का मेजोरिटी ओनर है इसका चेयरमैन और CEO विंस मैकमहन, साथ ही उनकी पत्नी लिंडा, उनके बच्चे शेन एंड स्टेफनी मैकमहन और उनके दामाद पॉल लेवेस्क, जिन्हें हम ट्रिपल एच के नाम से जानते हैं। मैकमहन फैमिली के पास WWE की लगभग 70% इक्विटी शेयर और 96% वोटिंग पावर है। WWE यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैमफोर्ड से ऑपरेट होती है। हालांकि WWE 10th मई 2007 को YouTube में शामिल हुआ, लेकिन कंपनी का पहला वीडियो ऑलमोस्ट एक साल तक पोस्ट नहीं किया गया था। और जैसा मैंने बताया, इसका नाम ही जैसा कि बता रहा है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, तो ये एक रेसलिंग रिलेटेड यानी कि स्पोर्ट्स चैनल है। WWE करेंटली YouTube पर 7th सबसे अधिक सब्सक्राइब किया गया चैनल होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया स्पोर्ट्स चैनल है। मिड 2015 को WWE का YouTube चैनल ने NBA के YouTube चैनल को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया और व्यू मिलने वाला स्पोर्ट्स YouTube चैनल बना। अक्टूबर 2016 को डूड परफेक्ट के YouTube चैनल ने WWE के YouTube चैनल को पीछे छोड़ते हुए YouTube पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया स्पोर्ट्स चैनल बना। WWE अभी भी सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल है। मार्च 2019 में WWE के YouTube चैनल ने डूड परफेक्ट के YouTube चैनल को पीछे छोड़ दिया और अब एक बार फिर से सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया स्पोर्ट्स YouTube चैनल बन गया है। YouTube पर सब्सक्राइबर्स के अलावा WWE 40 बिलियन व्यू के साथ YouTube पर तीसरा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल के रूप में रैंक करता है। ये सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला नॉन इंडियन चैनल भी है। WWE के YouTube चैनल पर टोटल 55.6 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इनके Instagram पर 20.5 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में हमारे नंबर 6 पे जो चैनल है वह कैनल कॉन्जिला, जिनका ओनर है कोनार्ड कोन्हा डांटास, जो कि ब्राज़ील के साओ पाउलो से बिलोंग करते हैं। ये चैनल यूट्यूब का 6th सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया और 2012 में बना किसी भी चैनल में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया चैनल के रूप में रैंक करता है। ये चैनल YouTube पर अब तक 9th सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला और ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल के रूप में भी रैंक करता है। 3rd फरवरी 2018 को डांटास विंडरसन नूनेस को पीछे छोड़ते हुए YouTube पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किए गए ब्राज़ीलियन बने। वो YouTube पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किए गए म्यूज़िक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर भी हैं। इस चैनल पर डांटास के द्वारा प्रोड्यूस किए गए म्यूजिक वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। इनके चैनल पर टोटल 56.1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इनके इंस्टाग्राम पर 2.8 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आगे हमारे इस लिस्ट में नंबर 5 पे जो यूट्यूब चैनल है वो है 5 मिनट क्राफ्ट्स। ये चैनल द सोल पब्लिशिंग के द्वारा बनाया गया है। इसके ओनर है पवेल रादेव और मरात मुखमेटव। ये चैनल साइप्रस का लिमासोल से ऑपरेट होता है।
इन्होंने अपना YouTube जर्नी स्टार्ट किया था 15 नवंबर 2016 को। इस चैनल का टॉपिक है DIY, जिसका फुल फॉर्म है डू इट योरसेल्फ, यानी कि कोई भी प्रोफेशनल या एक्सपर्ट के डायरेक्ट हेल्प के बिना कोई चीज बनाना या मॉडिफाई करना या फिर रिपेयर करने का मेथड, ये चैनल इसी चीज के ऊपर वीडियो बनाते हैं। इनके चैनल पे 65 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इनके इंस्टाग्राम पे 38.8 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। नंबर 4 पे जो यूट्यूब चैनल है वो है सेट इंडिया, जिसका पूरा नाम है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन इंडिया। जिन्होंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था 20 सितंबर 2006 को और इनके चैनल का टॉपिक जो है वो है टेलीविजन शोज एंड एंटरटेनमेंट। ये चैनल हर रोज कई वीडियोस अपलोड करती है। फरवरी 2020 तक ये सब्सक्राइबर और वीडियो व्यूज के मामले में सबसे तेजी से बढ़ने वाला चैनल्स में से एक है, जो हर महीने 2 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर और 1.5 बिलियन से भी ज़्यादा वीडियो व्यूज गेन करती है। ये चैनल 4th सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया और 2nd सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल है। इस चैनल पर 67 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो आगे हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पे जो यूट्यूब चैनल है वह कोकोमेलन। इस चैनल का जो पेरेंट कंपनी है, यानी कि जिस कंपनी ने इस चैनल को बनाया है, वह है ट्रेजर स्टूडियो, जो कि कैलिफोर्निया के अर्विन से ऑपरेट होता है। इस चैनल ने यूट्यूब में अपना पहला जो कदम रखा था वो है 2 सितंबर 2006 में। इस चैनल का जो टॉपिक है वो है किड्स एंटरटेनमेंट, एडुटेनमेंट, एडुकेशन एंड एनिमेशन और साथ ही नर्सरी राइम्स। ये वर्ल्ड का 3rd सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया चैनल है, साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया चैनल है। फरवरी 2020 के अनुसार ये चैनल सब्सक्राइबर और व्यूज़ के हिसाब से 2rd सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला चैनल है, जो हर महीने 3 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स और 2.4 बिलियन के करीब व्यूज़ गेन करती है। ये चैनल सब्सक्राइबर काउंट और व्यूज़ के हिसाब से एडुकेशन कैटेगरी का सबसे बड़ा चैनल है और इस चैनल पे 75.4 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो आगे हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पे जो यूट्यूब चैनल है वो है प्यूडीपाई। ये नाम पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, पिछले कुछ दिनों मतलब तकरीबन 1 साल से अब सभी ने शायद ये नाम सुना होगा। इस चैनल के जो ओनर हैं उनका नाम है फेलिक्स आर्विड अल्फ शेलबर्ग, जो कि स्वीडन के गोथेनबर्ग से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था 29 अप्रैल 2010 को और इनके चैनल का जो टॉपिक है वो है गेमिंग, कमेंट्री, रिएक्शंस, एंटरटेनमेंट और कॉमेडी। प्यूडीपाई चैनल का नाम बहुत ही सोच समझ के रखा गया था, जो कि प्यू शब्द से बना था, जिसका मतलब है गन फायरिंग, और डाई जो उनका ओरिजिनल चैनल जो था, उनका पुराना चैनल जिसका वो पासवर्ड भूल गए थे, वो ऐड किए थे प्यू के साथ, और साथ ही उन्होंने उसके साथ पाई ऐड किया, पाई जोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसका रिजल्ट हुआ प्यूडीपाई नाम। और फिर 2010 में यही उनका मेन यूट्यूब चैनल बन गया। प्यूडीपाई दुनिया का 2rd सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब और 3rd सबसे ज़्यादा व्यूड चैनल है, मतलब सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला। ये चैनल 29 दिसंबर 2014 से लेकर 14 फरवरी 2017 तक सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल था और साथ ही 23 दिसंबर 2013 से लेकर 27 मार्च 2019 तक सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया यूट्यूबर थे। हालांकि टी सीरीज़ ने उन्हें क्रॉस करने के बावजूद वो अभी भी सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किए गए स्वीडिश यूट्यूबर होने के साथ ही सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किए गए इंडिविजुअल हैं। यूट्यूब पर शेलबर्ग की पॉपुलैरिटी ने उन्हें सबसे फेमस पर्सनालिटीज़ में एक बना दिया है। 2016 में टाइम ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावशाली लोगों में से एक नाम दिया है। इनके चैनल पे 103 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इनके इंस्टाग्राम पे 21 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो इस लिस्ट में हमारे नंबर 1 पे जो चैनल आता है, जो कि हमारे एज ए इंडियन हम लोगों को गर्व होता है, वो चैनल है टी सीरीज, जो कि सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से बना था, जिसे गुलशन कुमार ने बनाया था। इस चैनल ने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था 13 मार्च 2006 से। इनके चैनल का जो टॉपिक है वो म्यूजिक एंड फिल्म्स,
श्री गुलशन कुमार जी ने टीसीएस को बनाया था 1983 में एक छोटी सी कंपनी के तौर पे। शुरुआत में पायरेटेड बॉलीवुड गाने सेल करती थी ये कंपनी। टीसीएस की पहली ओरिजिनल फिल्म साउंडट्रैक रिलीज 1984 में लल्लू राम के लिए थी, पर इस कंपनी को सक्सेस तब मिला जब उसने 1988 की ब्लॉकबस्टर कयामत से कयामत तक के लिए साउंडट्रैक जारी किया। इस फिल्म का साउंडट्रैक 1988 का सबसे ज़्यादा बिकने वाला और 80 के दशक का सबसे ज़्यादा बिकने वालों में से एक बना। उसके बाद कंपनी को सबसे तगड़ा बूस्ट तब मिला जब इसने आशिकी फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम रिलीज किया, जो नदीम श्रवण के जोड़ी ने कंपोज किया था, जिसमें इंडिया में 20 मिलियन यूनिट सेल किया और अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली साउंडट्रैक एल्बम है। 90s में जो दूसरे सबसे ज़्यादा बिकने वाले बॉलीवुड एल्बम्स हैं, खास करके जो नदीम श्रवण द्वारा कंपोज किए गए हैं, वो टी सीरीज लेवल के अंडर रिलीज किए गए। म्यूजिक प्रोडक्शन के अलावा इस कंपनी में फिल्म प्रोडक्शन पे भी अपना फोकस करना स्टार्ट किया। लेकिन इस कंपनी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 1997 में मुंबई अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट डी कंपनी ने इस कंपनी के फाउंडर गुलशन कुमार की हत्या कर दी। उनकी हत्या के साथ टीसीएस ने अपना सबसे सफल म्यूजिशियन भी खो दिया, जो थे नदीम अख्तर सैफी। क्योंकि शुरू में नदीम अख्तर सैफी पे इस हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। 1997 में गुलशन कुमार के मौत के बाद उनके बेटे भूषण कुमार और भाई कृष्ण कुमार ने कंपनी को लीड किया और टी सीरीज हाल ही में प्यूडीपाई के साथ हुआ मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल के रेस में ज़्यादा चर्चे में आए। YouTube पर टी सीरीज 132 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ अब तक का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया YouTube चैनल है। 2019 के मार्च अप्रैल के बीच में प्यूडीपाई को पीछे छोड़ते हुए टी सीरीज सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया नॉन टॉपिक चैनल बना और फिर 4 अगस्त 2019 में म्यूजिक को पीछे छोड़ते हुए पूरी वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया चैनल बन गया। फरवरी 2020 के अनुसार ये चैनल इस समय सब्सक्राइबर्स के मामले में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला चैनल है, जो हर महीने 3.8 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करती है। टीसीएस 102 बिलियन व्यूज़ के साथ अब तक का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला यूट्यूब चैनल है, जो कि सेकंड प्लेस सेट इंडिया से 40 बिलियन से भी ज़्यादा है। मतलब जो सेकंड प्लेस में है, जो दूसरे सबसे ज़्यादा देखा जाता है जो चैनल, वो है सेट इंडिया, उससे भी 40 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ है इस चैनल के। और 14 फरवरी 2017 को सबसे अधिक देखे गए चैनल प्यूडीपाई को पीछे छोड़ते हुए टी सीरीज फरवरी 2020 तक वीडियो व्यूज़ के मामले में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला यूट्यूब चैनल है, जो कि मंथली 3 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ गेन करता है। सब्सक्राइबर्स काउंट इस चैनल के जो है उसके आसपास भी कोई नहीं है। हाँ, प्यूडीपाई थोड़ा सा करीब है बोल सकते हैं, लेकिन जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इस चैनल पे टोटल 132 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इसके इंस्टाग्राम पे 2.7 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। यहाँ दोस्तों, तो ये था लिस्ट हमारे टॉप 10 यूट्यूब चैनल्स का, विश्व के टॉप 10 यूट्यूब चैनल्स, यानी कि टॉप 10 यूट्यूब चैनल्स इन द वर्ल्ड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे हमारे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हमें जाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।